Myself, Dr. Amit Gupta. I am the head of the pediatrics as well as neonatology in Motherhood Hospital, Noida. World Autism Day. And this day is actually celebrated all around the world to spread the awareness regarding what the autism is, autism mein kya hota hai, kya karna hota hai aur kaise bachav kiya jata hai. What is autism? सबसे पहला क्वेश्चन मम्मी पापा जब पढ़ते हैं गूगल करते हैं कि ऑटिज्म आखिर है क्या. ऑटिज्म एक ब्रेन का डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जिसमें कि बच्चे को सोशलाइज नहीं करता है, बोलता नहीं है, जिसमें बच्चा आपकी बातें ज़्यादा मानता नहीं है, इस तरह से प्रॉब्लम होती है. ये कई बच्चों में मिलता है. ठीक है, क्यों होता है ये बड़ा कॉमन सा फैक्टर है. क्यों होता है? जेनेटिक प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर मिलाकर ये एक चीज़ जो कि हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है उसको ऑटिज्म बोलते हैं. जेनेटिक रोल काफ़ी बड़ा है, इसी तरह से एनवायरमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल उसमें होता है. ऑटिज्म के बच्चे कैसे पहचानोगे कि मेरा बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं? बच्चा आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, बच्चा अपने पीयर ग्रुप में बाकी बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, एक तरफ किनारे में रहता है, एक तरफ अपने आप को मतलब सब अपने आप में घुसा रहता है, आप जो बोलते हो उसको रिपीट कर रहा है. सो ये जस्ट कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि बच्चा इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद अदर्स. जैसा मैंने बताया इसमें एक कारण होता है जेनेटिक, बट वन ऑफ एक चीज जो होती है वो स्क्रीन टाइम ऑल्सो. हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को 2 साल से पहले हमेशा स्क्रीन नहीं दिखाना चाहिए. बड़ा डिबेटेबल है कि स्क्रीन टाइम वाकई कॉज करता है या वन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर है. सो ये कॉज नहीं करता, ये एक तरीके से कॉजेटिव फैक्टर होता है जो कि स्किच होने की संभावना बढ़ा देता है. सो कोशिश करें कि 2 साल से नीचे बच्चों को इंटरैक्ट करें, बातें करें और स्क्रीन टाइम में कम से कम घुसे. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इन सब कम बोलता है, कम देखता है, तो कृपया कर अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, पीडियाट्रिशियन के पास, उनको ये प्रॉब्लम बताएं कि प्रोबेबली व्हाट यू थिंक कि क्या उसको सिम्टम्स हैं, सारी चीज़ डिस्कस करें. एंड जितनी जल्दी आप इस चीज़ के लिए अपने डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, जितनी जल्दी आप इसकी थेरेपी स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी आपका रिजल्ट अच्छा होता है. हमेशा अर्ली इंटरवेंशन इज मच बेटर देन अ लेट इंटरवेंशन, ये याद रखिएगा. प्लीज, ऑटिज्म इज नॉट अ सोशल टैबू. ऑटिज्म इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड द मोर अर्ली यू गो फॉर इट द बेटर इट इज फॉर इट. हमारे मदरहुड में व्हाट वी जनरली स्क्रीन द चाइल्ड व्हेनेवर, जब बच्चे आते हैं उनको स्क्रीन करते हैं, देखते हैं कुछ है तो नहीं, अगर कुछ ऐसा लगता है देन इन दैट केस वी हैव टीम ऑफ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जिनके पास रिफर करते हैं, देन वी टेक केयर. आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए इन केस यू नीड मोर नॉलेज अबाउट ऑटिज्म और यू हैव एनी क्वेरीज और यू वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद अस, प्लीज़ लेट अस नो. थैंक यू.